प्रदेश में लव जिहाद कानून लागू होने के बाद पहली बार किसी को सजा सुनाई गई है। जी हां, यह सजा कानपुर की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई है। दोषी को 10 साल जेल की सजा के साथ 30,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि से 20,000 रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे। आपको बता दें कि विशेष लोक अभियोजक पास को चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि मामला 15 मई 2017 का है। जूही थाना क्षेत्र के कच्ची बस्ती में रहने वाली 14 साल की किशोरी कक्षा 6 में पढ़ती थी। जावेद उर्फ मुन्ना की बहन किशोरी के क्लास में पढ़ती थी। इसी दौरान जावेद ने किशोरी को देखा और प्रेम का प्रस्ताव दिया। बता दें कि किशोरी जावेद का नाम मुन्ना जानते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम हुआ। जावेद ने किशोरी को शादी के लिए प्रस्ताव भेजा। वह उसे भगा कर ले गया। 4 दिनों तक जावेद ने किशोरी को जंगली इलाकों में रखा। 5वें दिन किशोरी बरामद हुई और उसने जावेद के खिलाफ 164 के बयान दर्ज कराए। आपको बता दें कि एडिशनल DGC अजय प्रकाश सिंह ने बताया कि किशोरी के मेडिकल में उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। किशोरी ने यह भी बताया कि जब उससे मुन्ना लेकर गया था तब उसे पता चला था कि वह हिंदू नहीं मुसलमान है और उसका नाम जावेद है। युवती ने बताया कि वह वहां से भागना चाहती थी लेकिन उसे बंधक बनाकर रखा गया। वहीं अजय प्रकाश ने बताया कि किशोरी को समय रहते बरामद कर लिया गया, नहीं तो उसकी जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करवाने की तैयारी थी। इस पूरे षड्यंत्र में जावेद का परिवार भी शामिल था। जब युवती ने निकाह करने से इनकार किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई। युवती की गवाही और मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला जज पाश को एक्ट पवन कुमार श्रीवास्तव ने जावेद को 10 साल की सजा सुनाई है। जावेद के ऊपर 30,000 का जुर्माना लगाया गया है। इनमें से 20,000 रुपए किशोरी को हर्जाने के तौर पर देने का आदेश जज पवन कुमार श्रीवास्तव ने दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर सख्त कानून 24 फरवरी 2021 को लागू किया गया है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अध्यादेश 2022 लाई है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर 5 साल तथा सामूहिक धर्मांतरण कराने के मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और यह अपराध गैर जमानती है।